अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल काजी मल्टी वीडियोस पे। आप देख सकते हैं कि ये मैंने सेब खिला रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है। मैंने चंद वीडियोस पहले आपसे जो है वो शेयर किया था, फीड कैलकुलेशन, और मैंने आपको बताया था जो इनका स्टोरेज वाला जो होता है, मतलब कि इनका स्पेस कैलकुलेशन, ये दो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की थी जो पिछली मेरी वीडियो थी, तो लेकिन वो चूज़ों के बारे में थी। तो ये जो वीडियो है ये इंशाल्लाह थोड़े से बड़े चूज़ों के बारे में होगी, या ये जो पट्ठे पट्ठियाँ हो जाते हैं उनके बारे में होगी। तो व्यूअर्स, जो चूज़े होते हैं तकरीबन एक माह के, वो तकरीबन 200 ग्राम वज़न तक पहुंच जाते हैं, या अगर आप दो महीने के ले लें तो वो तकरीबन आधा किलो के करीब होने लग जाते हैं, या 400 ग्राम। तो जो दो महीने तक के जो चूज़े होते हैं उनको 1 स्क्वायर फीट पर बर्ड जो है वो जगह की ज़रूरत होती है। तो अगर हमारे पास 10 ज़रब 10 की जगह हो, एरिया हो, मतलब के 10 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह हो, तो जो उसका एरिया बनेगा वो बनेगा 100, ठीक है। तो उसके अंदर हम 100 बर्ड्स रख सकते हैं जो कि जिनकी एज सिर्फ 2 महीने हो, ठीक है। तो अब इनकी मैं आपको फीड कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। जो एक हफ़्ते का चूज़ा है वो 10 ग्राम खाता है एक दिन में, ठीक है। जो 2 हफ्ते का है वो 16 ग्राम, 3 हफ्ते का 22 ग्राम। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 हफ्ते का जो एज का चूज़ा होता है वो एक दिन में 22 ग्राम फीड खाता है। जो 4 हफ्ते का यानी कि 1 महीने का चूज़ा होता है वो 28 ग्राम एक दिन में फीड खाता है, ठीक है। इसी तरह जो 5 हफ्ते का हो जाता है चूज़ा, वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, 7-8 ग्राम, ठीक है, वो इस तरह बढ़ता जाता है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते वो तकरीबन जब वो 2 महीने का होगा तो वो 45 या 44 ग्राम खुराक खाता होगा, ठीक है। ये थोड़े बहुत इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो फीड कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी कि आपने पर बर्ड कैसे मल्टीप्लाई करना। फ़र्ज़ किया 45 ग्राम आपका एक बर्ड खाएगा 2 महीने का जब चूज़ा हो जाएगा, तो आप जितने बर्ड्स हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर लें और 45 से कर लें मल्टीप्लाई, तो जितना आंसर आएगा उतने ग्राम्स आपको फीड चाहिए होगी एक दिन के लिए अपने पूरे फ्लॉक के लिए। और मैंने आपको स्पेस कैलकुलेशन पहले ही बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और को भी फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।